तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन, बैरोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत काम का है दोस्तों। इस इक्वेशन से हम लोगों को प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड मिलता है। तो इसका डिराइवेशन आज हम करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को और भी बहुत सारे इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जो कि हम साथ साथ डिराइव करने वाले हैं। एक इक्वेशन जो चाहिए वो है डेंसिटी का, डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये एक चाहिए हम लोगों को। बैरोमेट्रिक इक्वेशन तो हम डिराइव कर ही लेंगे, और बीच में एक जो इक्वेशन है वो हमको एक एयर पार्सल की फोर्स बैलेंस से मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग वही अब करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक कॉलम कंसीडर किया है। ये एक एटमॉस्फेरिक कॉलम है और यहाँ पे हम एक स्लाइस लेने वाले हैं, एक एयर का स्लाइस ऐसे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारा एयर का स्लाइस, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दूंगा ऐसे। तो ये ब्लू कलर का जो स्लाइस या सैंडविच आप लोगों को दिख रही है, ये है हमारा एयर का स्लाइस, और इसमें हम फोर्स बैलेंस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और इसीलिए इसमें फोर्स बैलेंस्ड है। तो इसीलिए हम नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ इसका वेट गिर रहा है नीचे, W लिखेंगे हम इसको। तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब यही है कि ये वेट और इसमें जो प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, प्रेशर फोर्स, इसको मैं FP लिखूंगा, प्रेशर फोर्स ये जीरो है। तो वेट जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और प्रेशर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है DP टाइम्स एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो ये एरिया, असल में ये जो स्लाइस हम लोगों ने कंसीडर किया है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यही है A। तो A का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग M का वैल्यू निकालने वाले हैं। M हम सभी लोगों को पता है कि मास होता है, जो कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो हाइट है ये बहुत ही छोटा है, और इसको हम dz कंसीडर करेंगे, इसको हम dz कंसीडर करेंगे। तो फिर मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में v से डिनोट कर रहा हूँ अभी, और ये बाकी का इक्वेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया टाइम्स, यहाँ पे dA नहीं सिर्फ a होगा, एरिया टाइम्स dz, जहाँ एरिया है ये है एरिया, और dz है ये छोटा सा एलिमेंट्री हाइट, और इसको हम g से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस dP टाइम्स a इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, अगर हम a से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, रो जी डी जेड प्लस, हम a से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस dP इक्वल टू जीरो, हम रो से भी डिवाइड कर सकते हैं तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, dP बाई रो प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों, इसको मैं बॉक्स करके 1 नेम दूंगा, इसको मैं 1 नेम दूंगा। और अब हम जो करने वाले हैं वो है हम अब डेंसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए आइडियल गैस के लिए, या फिर अब हम ऐसा लिखेंगे, डेंसिटी हमको पता है, आइडियल गैस नहीं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अब हम आइडियल गैस के लिए इस वॉल्यूम को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं, हमको पता है कि आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको nRT बाई P। तो हम वॉल्यूम को कुछ ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अब जहाँ तक कि मास की बारी है, मास हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं,
मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स, मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स जो कि n है। तो अगर हम इसको भी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को हम m पकड़ सकते हैं और यहाँ पे ये n है तो ये m n हो गया डिवाइडेड बाई n r t। और इस प्रेशर को अगर मैं ऊपर लिख दूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, तो यहाँ n n कैंसिल हो जाएगा तो हम डेंसिटी को लिख सकते हैं पी एम, हम डेंसिटी को लिख सकते हैं पी एम बाई आर टी। तो ये आ गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही हम लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही पी वी इक्वल टू एन आर टी होल्ड करता है। तो इसको मैं इक्वेशन टू नेम दूंगा, इसको मैं इक्वेशन टू नेम दूंगा और इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से मैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस इक्वेशन से हम लोग अपना बैरोमेट्रिक इक्वेशन का जो डिराइवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रो कुछ ऐसा होता है पी एम बाई आर टी, तो फिर इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो ये कुछ ऐसा हो जाता है डी पी बाई पी एम बाई आर टी प्लस जी डी जेड इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इस आर टी को ऊपर न्यूमरेटर में भेज दें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है आर टी बाई पी एम टाइम्स डी पी प्लस जी डी जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अब हम इस आर टी बाई एम को बाहर निकाल देंगे क्योंकि आर टी बाई एम कॉन्स्टेंट होता है, तो डी पी बाई पी प्लस जी डी जेड इक्वल टू जीरो। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लेंगे P1 टू P2 और GDZ को भी इंटीग्रेट करेंगे Z1 टू Z2। G को हम बाहर निकाल दे सकते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है RT by M, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये ln P हो जाएगा, ln P हो गया तो ये P1 से P2 तक चलेगा और यहाँ पे G बाहर निकल जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हम जानते हैं कि dz को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको z मिलेगा, तो फिर यहाँ z2 माइनस z1 हो जाएगा और ये इक्वल टू जीरो होगा। तो अब हम इन लिमिट्स को इवेलुएट करेंगे, यहाँ आर टी बाई एम और यहाँ पे हो जाएगा एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि z2 माइनस z1 है। तो अगर हम इसको उस साइड में ले जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ln, हम जानते हैं ln p2 माइनस p1 को हम ln p2 बाई p1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जा रहा है माइनस g z2 माइनस z1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m बाई rt को, m बाई rt को। तो फिर यहाँ पे अगर मुझको ln का इन्वर्स लेना है तो फिर मुझको e टू दी पावर लेना पड़ेगा बोथ साइड में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा e टू दी पावर या फिर हम एक्सपोनेंशियल भी लिख सकते हैं माइनस जी एम बाई आर टी टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया। अब p टू को हम लिख सकते हैं p टू इक्वल टू p वन एक्सपोनेंशियल माइनस जी एम बाई आर टी टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। तो इसी इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन को दोस्तों हम लोग बैरोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बैरोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मैं इसको बॉक्स कर दूंगा येलो से। तो दोस्तों इस इक्वेशन की मदद से इसको मैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन लिख दूंगा, बैरोमेट्रिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस इक्वेशन की मदद से हम लोग किसी भी ऑल्टीट्यूड में प्रेशर का वैल्यू निकाल पाएंगे, जैसे कि अगर ग्राउंड लेवल पे प्रेशर का वैल्यू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ग्राउंड लेवल में प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और यहाँ पे Z1 जीरो ही होगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम पुट कर दे तो हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, P2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस GM बाय RT टाइम्स Z2, क्योंकि दोस्तों Z1 जीरो है। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को जी का वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर कुछ आसपास 29 की तरह होता है, आर का वैल्यू भी पता है, और टेम्परेचर का वैल्यू भी अगर हमको पता होगा तो किसी भी ऑल्टीट्यूड में किसी भी Z2 के वैल्यू में हम लोग प्रेशर का वैल्यू निकाल पाएंगे। और अगर जनरल में हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करनी है तो अगर इस इक्वेशन को देख के हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन मिलेगा कि प्रेशर कैसे वेरी करता है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे Z2 पावर में माइनस है, मतलब e^-Z2 है, तो फिर ये GM/RT तो एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम K भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम फ्रेम करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, P = e^-kZ2। तो ये प्रेशर ऑल्टीट्यूड के साथ कुछ ऐसा वेरी करेगा। तो जब Z2 का वैल्यू जीरो है, मतलब इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे P1 एटमोसफियर है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा 1। तो प्रेशर यहाँ से लेके ग्रेजुअली फॉल करता रहेगा जब ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। थैंक यू।